नवरात्रि माता दुर्गा की उपासना का प्रमुख पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है। इस दौरान भक्तजन विभिन्न विधियों से माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का विधान है। ये दिन महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना का होता है, जिन्हें सौंदर्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता रानी की भक्ति और उपासना से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। पंचांग के अनुसार इस साल 11 अक्टूबर यानी शुक्रवार को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जा रही है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना पुण्य कार्य माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद दिया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौसम का साथ मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शारदीय नवरात्र पूरे रंग में पहुंच चुका है। पूरे भदोही जनपद में शहर से लेकर गांव में स्थित पूजा पंडालों में स्थापित माता दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दंडवत कर श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शाम को ही गांव में पहले जहां सन्नाटा छा जाता था, वहीं अब देर रात तक चहल पहल बनी हुई है। जिले में शहर से लेकर गाँव तक 722 दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। कुछ पंडालों में नवरात्र के पहले दिन से ही मां की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं बृहस्पतिवार को मां प्रतिमा स्थापित हुई। स्ट्रीट बुज न्यूज की टीम सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अलग अलग पूजा पंडालों में अद्भुत और अलौकिक स्थिति से रूबरू हुई। ज्ञानपुर, गोपीगंज, दुर्गागंज, मोड़, ऊंच, सीतामढ़ी, चौरी, भदोही, औराई सहित कई स्थानों पर बने पंडालों में सभी माँ की भक्ति को देखने में मग्न दिखे। स्ट्रीट बुज के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस साल जो है नवमी का लोप है, इसलिए कि सूर्योदय काल में नवमी नहीं है। सूर्योदय काल में 7:30 बजे तक अष्टमी है, इसलिए तिथि के न पाने के कारण नवमी का मान्य नहीं हुआ और सूर्यास्त के पहले नवमी समाप्त हो जा रही है, इसलिए नवमी का जो है महत्व नहीं है। अष्टमी का व्रत लोग जो है शुक्रवार को ही 11 तारीख को ही रहेंगे और 11 तारीख को नवमी भी मनाई जाएगी। हवन, पूजा, माँ का जो है ये सब होगा। बिहान शनिवार को विजयादशमी का जो है मान्य होगा। महानिशा पूजा जो है वो गुरुवार 10 तारीख को होगा, इसलिए कि सुबह में सप्तमी है और इसके बाद अष्टमी लग रही है। अष्टमी पूरी रात रहेगी और शुक्रवार को 7:30 बजे तक रहेगी, तो रात का महत्व है। ये नवरात्र व्रत है, नवरात्रि, रात्रि का ज़्यादा महत्व है, इसलिए निशा पूजा माँ का जो है रात्रि में अष्टमी रहने पर होता है। तो रात्रि में अष्टमी नहीं मिल रही है, उसमें हो जा रही नवमी उपरांत दसवीं, इसलिए महानिशा पूजा जो है गुरुवार 10 तारीख को ही मानेगी। यही हमारे यहाँ सनातन धर्म की पद्धति कहती है। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, आज शक्ति माँ दुर्गा पूजनोत्सव सेवा समिति कुंवरगंज टाउनरिया गली का सदस्य हूँ। विगत 10 वर्षों से कुंवरगंज टाउनरिया गली में आदि शक्ति माँ दुर्गा पूजनोत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस वर्ष हमारा 11वां वर्ष है और हमारी समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान जी के अध्यक्षता में यहाँ पूजा संपन्न कराई जा रही है। नवरात्र के इस पावन पर्व पे हमारी समिति को पूरे नगर का पूरा सहयोग और समस्त कुंवरगंज वार्ड वासियों का सहयोग भरपूर रहता है। सकुशल ये पूजा संपन्न कराई जा रही है। समिति में हमारे वार्ड के सभासद प्रकाश श्रीवास्तव पवन जी, जो कि समिति के संयोजक हैं, जिनके अथक प्रयासों से ये पूजा परमिशन से लेकर के हर चीज़ को मुहैया कराते हैं, ये इनका बहुत ही अतुल योगदान रहता है समिति में। और समिति के संरक्षक में हमारे मोहम्मद राशिद खान, शिवभूषण सिंह मानस जी, शिवशंकर मौर्या जी, बच्चन लाल पाल जी, जायसवाल क्लास सेंटर के प्रोपराइटर सीता प्रसाद गुप्ता जी, इन लोगों का विशेष योगदान हमारी समिति को रहता है। गणेश चौरसिया जी, चौरसिया गारमेंट्स के प्रोपराइटर, इन सभी के सहयोग से ये विगत
दस वर्षों से प्रतिमा बैठाई जा रही है। आभा मार्ग की तरफ से आप सभी समस्त देशवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई। हमारे आभा मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दाम पर मिलते हैं। हमारे मार्ट का पता है गोयल गली, ज्ञानपुर, भदोही।